ठंडे के जी 50 रुपए 100 रुपए कोई सी भी ले लो 50। 200 रुपए के? वाह 250 वाले जी भैया 50 रुपए। कोटा का चोर बाजार जिसे बोलते हैं, बहुत बड़ा चोर बाजार घंटाघर जिसका नाम है। तो मैं घंटाघर कोटा में भी बहुत ज्यादा गलियां है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे घूम चुका हूँ। थोड़ी देर में अभी घंटाघर पहुँचने वाला हूँ, वीडियो पर बने रहे। वो ऐसी ऐसी गलियों से गुजरना पड़ रहा है मुझे घंटाघर के लिए। सुना था मैंने कि कोटा की जो गलियां है वो बहुत साफ सफाई रहती है उसमें, पर आज मालूम पड़ी है कि कोटा में बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं रहती है। इतनी बदबू आ रही ना दोस्तों, आप बात भी नहीं मानोगे, इतनी ज़्यादा कि मतलब कोई हद ही नहीं है। तो आपको भी अगर घंटाघर जाना हो तो ये मांगीलाल पतंग वाला देख रहे हो आप, इसके डायरेक्ट सीधा ये जो रास्ता है आपको भी यही फॉलो करना पड़ेगा। ये मांगीलाल पतंग वाला जो भी है देख सकते हो दोस्तों, ये मार्केट है पूरा दोस्तों। जो आप देख रहे हो सामने वही है घंटाघर का ये जो मार्केट है, ये फिलहाल अभी खुला नहीं है, सुबह आया हूँ इसलिए। फिर भी थोड़ा बहुत स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे खुलना। अभी तो फिलहाल ये शॉप खुल गई है यहाँ पे, जो कि नाश्ता पोहा जले को। अगर आप संडे के दिन अगर सुबह आओ तो यहाँ पे चोर मार्केट लगता है बहुत बढ़िया वाला। तो अगर कभी भी आप अगर घंटाघर दिन जरूर आना, सुबह 4 बजे या फिर 5 बजे से स्टार्ट होता है ये घंटाघर है यहाँ का। अभी तो यहाँ किसी के तोते नहीं उड़ रहे हैं क्योंकि सुबह का टाइम है। और ये देख सकते हो आप घंटाघर का कुछ इस प्रकार का सीन है। आपको मैं घुमा नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे शॉप ओपन नहीं हुई है, तो मैं एक बार वापस आऊँगा यहाँ पे थोड़ी देर बाद नहा धो के। तब तक भी यहाँ पे जितनी भी शॉप है ना सब ओपन भी हो जाएगी और आपको घुमा भी लूँगा थोड़ा। तब तक के लिए इस वीडियो पर बने रहे। अभी तो फिलहाल मैं वापस घर जाऊँगा, फिर वापस इतना चल के आऊँगा नहा धो के। तो ये हालत हो रखी है भाई कोटा में पॉलीथीन और गायों के बीच में। चप्पल का रेट है 150 में दो जोड़। 50 रुपए 50 रुपए एयरफोन क्या दिए गया 50 रुपए और ये वाला 300। जूते कैसे दिए 100 रुपए। चप्पल का रेट क्या 50, कोई सी भी ले लो 50। देख लो भैया अच्छी चप्पल है, कोई अगर अपना बिजनेस भी स्टार्ट करे तो ठीक है। क्या रेट भैया 100 रुपए। रेट क्या 50। इस टाइप की भी चप्पल है, क्या रेट भैया 100 रुपए। पूछ रहा था अभी आता हूँ। कुछ और भी चप्पल है, मोजे वगैरह गारमेंट्स की सब चीजें मिल जाएगी आपको। भैया बनियान क्या रेट है 150 की 2। 150 की 2 बता रहे हैं भैया। मैं सुबह आया था लेकिन सुबह आपको पता ही होगा कि यहाँ पे शॉप ओपन नहीं हुई थी, तो मुझे वापस ऑटो का भाड़ा बिगाड़ के वापस यहाँ पे आना पड़ा। तो मेरा डबल टाइम वेस्ट हुआ है और डबल पेमेंट भी वेस्ट हुआ है। तो आप सबसे पहले है ना इस वीडियो को शेयर करें ना करें, लाइक करें ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जूते भी अच्छे भैया, क्या रेट है जूते? ये भी 250। वाह यार 200 रुपये के। वाह यार जूते तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यार ये। कि बड़ी शोरूम से अगर आप लो तो यार कम से कम 500-600 रुपये से कम नहीं होते हैं यार। और ये सब 300। ये भी जूते देख सकते हो दोस्तों यार, कितने बढ़िया बढ़िया जूते हैं।
और इतने सस्ते जूते यार, मैंने तो कभी नहीं देखे। अगर आपने देखे हो तो कमेंट में एक बार जरूर बता यार भैया। जूते का रेट में ये वाले क्या भैया? ये भी 300 रुपये। वाह यार भाइयों, यार इनकी रेट आप कहीं पर भी पूछ लोगे ना यार, 700-800 रुपये से कम की तो नहीं मिलेगी यार। देखो तो भैया क्या क्या रेट है ये? 250 वाले देख तो 250 में और क्या लो भाइयों यार आप, यार 250 रुपये में मात्र यार। और वो रखा भैया वो पजामे क्या रेट भैया? 100-150। और बेल्ट? अच्छा मोजे कैसे दिए भैया? 50 रुपये। 3 जोड़ मोजे 50 रुपये में। तो आपने जैसे घंटाघर देख ही लिया होगा पूरा मार्केट, ये पूरा मार्केट यहाँ पे डेली लगता है और रविवार के दिन सुबह अच्छा बढ़िया बड़ा लगता है थोड़ा। और रविवार के दिन सुबह बड़ा लगता है आज तो क्या? अच्छा आधे दिन कम लगता है, घंटे के दिन ज़्यादा लगता है। ठीक है दोस्तों, बाहर का हमें बाहर